Hi everyone, time for technique number 1. I hope all of you must have gone through the technique number 0 and now we will move on to the technique number 1. So technique number 1 is by the name of release to AO. So there is a reason why I am starting with this technique and not other popular techniques because this was given by one of our learner Piyush. So this is just to show that even if you are creative or innovative about your work you can also come up with your techniques and then also

तो ये वाली टेक्निक स्टार्ट करते हैं दिस इज द नेम ऑफ रिलीज़ टू ए टेक्निक इज नथिंग इन केस द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट एमिशंस या रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर का केस है तो मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेस ओनली द आंसर इज मोस्टली ऑल एंड वॉट इज द कॉशन दैट यू नीड टू टेक दिस इज एप्लीकेबल ऑन एयर एमिशंस एंड कंटेमेंट्स ऑनली जैसे वाटर या लैंड होगा सो so, उसमें जनरली ये केसेस अप्लाई नहीं होते हैं इनफैक्ट वाटर एंड लैंड है तो एक ना एक ऑप्शन ऐसा होगा विच इज़ वेरी आउटरीजियस सो इट कैन बी लाइक प्लूटोनियम माइंसटीनियम एंड एनी अदर रैंडम एलिमेंट सो नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक नंबर वन सो दिस इज द क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटन्स रिलीज बाई स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड वन ऑफ द मैथड इज की लाइक यू स्टार्ट एनालाइजिंग एज सुन एस यू गेट द क्वेश्चन कि नाइट्रोजन एमिट होगा नहीं होगा मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है और सी ओ टू है आई थिंक अल्टीमेटली इट विल ऑक्सीडाइज दैन इट विल कन्वर्ट टू सी ओ टू सो सी ओ विल नॉट एलिमिनेट और यू कैन थिंक देर इज़ अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन तो सी ओ ही रह जाएगा प्लीज़ डू नॉट ओवर थिंक इन सर्च क्वेश्चन दिस हैप इन टू थाउजेंड नाइनटीन ऑल्सो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग ड्यू टू ओवर थिंकिंग सो मार्क डी इन सच क्वेश्चन अगेन कंसिडर द फॉलोइंग फ्रॉम द कोल कम्बन स्टील हो गया कोल हो गया कार्बन ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आंसर अगेन डी सेकेंड इज सेकेंड थिंगट यू आर ऑब्जरविंग इज कि यू पी एस से रिपीट क्वेश्चन एक बार स्टील प्लांट पूछ लेगा कोल प्लांट पूछ लेगा थर्मल प्लांट एंड एनी सच थिंग सो इसलिए प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्राई टू फिगर आउट टेक्निक्स एंड देन यू कैन शेयर इट शेयर इट विद अस ऑल्सो अनदर क्वेश्चन ड्यू टू एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन मतलब स्टील कॉल एंड नाउ दे आर आस्किंग अबाउट राइस आल्सो सम रीजन्स मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वॉर्मिंग टू वॉट पॉसिबल रीजन्स इज दिसबल द एनआरबी कंडीशन कॉज द एमिशन ऑफ मेथेन ओके दिस वन इज राइट and nitrous oxide so as i mentioned earlier in case of the emissions the answer is both 1 and 2 one more application agriculture soils release nitrogen oxide releases ammonia so they are just randomly asking about these industries coal steel rice agriculture cattle poultry and all these industries as per technique number 1 raise to or r2a also you can use this the answer is d अगेन दे इज नथिंग टू डिस्कस आई थिंक इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन द क्वेश्चन दैट आई मैंशन अरली दैट देट आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स दे फोकस्ड ऑन प्राइमरी है सेकेंडरी है देन अल्टीमेटली दिस दैट एंड दे गॉट इट रॉन्ग बट इन योर केस यू हैव टू जस्ट यूज टेक्नीक नंबर वन एंड मार्क वन टू थ्री फोर सो इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स देर इज ऑलवेज अ रिस्क की मान लो गलत हो जाता है सो वॉट विल हैपन इफ आई एम यूजिंग दिस टेक्नीक एंड गलत होता है So you need to take two cases. Number one, suppose after watching this, and usually most of the smart candidates they are going to mark D only. So if you are getting this question correct, so up smart candidates category. Mein. But the thing is, somehow everyone is marking D and subka bi galatho ray. Then also it's not you need not worry about it because you have competition with these smart candidates also. So this is something that you need to

the second is it saves your brain processing power this is very crucial please focus on this in prelims ab aisa nahi hua ki you can finish the paper in 1 hour and 1 hour baithe hue hain in fact you need to be very good with your time management jisse aap actively pure time focused manner में prelims का paper कर पाए Otherwise ये होगा कि like आप 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं वन एंड हाफ hours में last के half hour में कर रहे हैं 40 minutes. so आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाती है सो इन दिस केस यू नीड टू बी वेरी गुड विथ टाइम मैनेजमेंट एंड इफ यू आर यूजिंग दिस टेक्निक्स इट इज सेविंग योर ब्रेन प्रोसेसिंग पावर एंड सेकेंड टाइम भी बच रहा है सो ऑन एन एवरेज यू कैन सेव टाइम एंड दिस क्वेश्चन करेक्ट एंड जो आपकी प्रोसेसिंग पावर बच रही है दिस यू कैन यूज ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन अनदर थिंग इज एज आई मैंशनड इन ऑल द टेक्निक्स आई विल कीप रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन Please try to apply these techniques on questions. Go to previous or questions, search for questions related to emissions, release, contaminants, pollutants, and then apply it. And if you think ki we have missed any question, please comment it in the discussion forum. Even after extensive research, there might be cases that we have missed. So please share it with us because even we are evolving in these courses. But as far as I know, this technique is. Success ratio of this technique is 100% as of now because we have not come across any question where this is not applicable. So, this is a very safe technique and you can use it. This is not risky at all. Safe technique saves brain processing power BPP. So please apply it. This is the analysis which I am going to do for do for every technique at the end of explanation whether you should apply or not and what is the risk profile.